यूनिक चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइस मैं देखता हूँ कि इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, आज के बाद इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और एक क्वेश्चन नहीं अटकेगा आपका। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको इसमें बता दूंगा, क्योंकि SSC JEE का पेपर बहुत जल्दी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपका कॉन्सेप्ट और ये सारा क्लियर कर दूंगा। तो बस इसे देखते रहिए, ये ट्रिक से भी होगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठाना है मुझे। तो गाइस देखिए, ये अपना आइडियल होता है, सही है? आइडियल सॉलिड होता है, ये आइडियल फ्लूड होता है, सही है? और ये होता है अपना थिक्सो, एक होता है तेरी पे, ये होता है ये है री। तो इसकी ट्रिक क्या है गाइस, पहले सुन लीजिए। मतलब थिस्को रिया सड़ा दिया, नहीं तेरी रिया सड़ा दिया। यहाँ होती है सूडोप्लास्टिक और यहाँ होती है अपनी दिया, मतलब डायलिटेंट, सही है? तो इसमें क्या है, ऊपर वाली थिक्सो हो गई तेरी रिया, रिया मतलब रिया से मतलब रिया हो गया। ऊपर क्या हो गया अपना सड़ा दिया, मतलब सूडोप्लास्टिक, और नीचे दिया मतलब डायलोटेंट। तो सिंपल सा ट्रिक है ना। अब इस पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं पहले वो सुन लेते हैं। तो गाइस आप देखते हैं कि ये तो अपना न्यूटन फ्लूड होता है, बिल्कुल ये सीधी रेखा। बाकी जितने बच्चे वो नॉन न्यूटन होते हैं, तो मैं नॉन न्यूटन के बारे में बता रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको पहले क्या करना है कि पहले नॉन न्यूटन हमारे टू टाइप्स होते हैं, एक टाइम डिपेंडेंट और एक टाइम इंडिपेंडेंट, सही है? तो एक होता है टाइम डिपेंडेंट, एक होता है अपना टाइम डिपेंडेंट, एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट। अब टाइम डिपेंडेंट कौन से होते हैं, तो अपना जो होता है DPP, सही है? यानी ये दोनों और एक ऊपर लाइन बिंघम प्लास्टिक, ये जो होती है ये होता है न्यूटन बीच वाला, तो ये होता है बिंघम प्लास्टिक, सही है? तो ये तीनों हो गए अपने DPP टाइम इंडिपेंडेंट, सही है? टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, एक हो गया टाइम डिपेंडेंट, तो ये तीनों होगा अपने टाइम इंडिपेंडेंट। और टाइम डिपेंडेंट कौन से बच्चे, वो बच्चे जो दो बच्चे, यानी आपके ऊपर के जो दो बच्चे ना ऐसे, एक थिक्सो प्लास्टिक एक रियो प्लास्टिक, ये दो हो गए अपने टाइम डिपेंडेंट। तो गाइज मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसमें यही पूछा जाता है कि पहले नॉन न्यूटन फ्लूड टू टाइप में डिवाइड कर दिया, एक टाइम इंडिपेंडेंट, एक हो गया टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट है तो देखो इसमें तीन चीज़ आ रही है, टाइम इंडिपेंडेंट तो इसमें भी तीन आएंगी, DPB, यानी DPB मतलब आप डायग्राम से देख लीजिए, बिंघम प्लास्टिक हो गया ऊपर और यहाँ से जो निकली है दो, यहाँ से जो दो निकली हैं ये हो गया अपना स्यूडो प्लास्टिक और नीचे क्या है डायलिटेंट, यहाँ डायलिटेंट हो गया, यहाँ स्यूडो प्लास्टिक हो गया, ये पी है बी है। और अपना टाइम डिपेंडेंट क्या है, अपना RT ऊपर जो बचा है ये हो गया टाइम डिपेंडेंट, यानी यहाँ ऊपर हो गया थिक्सो प्लास्टिक, नीचे क्या है रियो, ये तेरी मतलब तेरी रिया, नीचे R बचा ना, तो नीचे क्या हो गया अपना, तो नीचे रियो रियो याद रखो, ऊपर हो गया TRTR मतलब TDA, यानी टाइम डिपेंडेंट है, और TRTR, देखो न्यूटन फ्लूड तो अलग ही है, वो तो अलग हो गया, तो इसलिए तो इसे तो अलग ही रखो। जो नॉन न्यूटन फ्लूड है उसे टू टाइप्स में डिवाइड करा, एक टाइम इंडिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट TRTR, यानी क्योंकि इसमें दो आ रहे हैं तो TD तो TRTR, और इसमें आ रहा है टाइम इंडिपेंडेंट TID का मतलब है TPB जो भी बचा, और डायग्राम से मैंने ऐसे बता दिया। पहला क्वेश्चन अपना ये क्लियर होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, वो क्या आता है कि विस्कोसिटी पूछते हैं। हाँ तो अगला है अपना डायलेटेंट की जो है विस्कोसिटी। हाँ तो अगला डायलेटेंट की विस्कोसिटी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के अनुक्रमानुपाती होती है, नहीं समानुपाती होती है। हाँ तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत आता है, डायलेटेंट की जो विस्कोसिटी है वो ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, यानी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ेगा तो डायलेटेंट की विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, विस्कोसिटी की बात करूँ, और ये घटेगी तो ये भी घटेगी। तो अब हमारा क्या बचा है, दूसरा है स्यूडो प्लास्टिक की। तो ये अपने डायलेटेंट का समझ गया, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, सही है? और अगला है अपना स्यूडो प्लास्टिक। तो स्यूडो प्लास्टिक में क्या है, ये देखिए विस्कोसिटी हम निकाल रहे हैं, अगला क्या है स्यूडो प्लास्टिक, सही है? तो स्यूडो प्लास्टिक स्यूडो लिख रहा हूँ, अनुक्रमानुपाती होती है 1/τ के, यानी 1/ शियर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, और अनुक्रमानुपाती है 1/ प्रतिबल, यानी 1/ स्ट्रेस, ये आप समझ रहे होंगे, सही है?
ये अपना रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ जिसे टॉसर बताते हैं, तो अगर ये बढ़ेगी यानी स्यूडोप्लास्टिक की विस्कोसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ गिरेगा और स्ट्रेस भी घटेगा। तो समझ गए ना, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है कि अपना जो है स्यूडोप्लास्टिक की जो विस्कोसिटी है और डायलेटेंट, बस इन दोनों का याद रखना है, डायलेटेंट और स्यूडोप्लास्टिक। डायलेटेंट में सब चीज़ यानी टॉ और डी और टॉ अनुक्रमानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं, दोनों बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, डी बढ़ेगा तो टॉ बढ़ेगा, डी घटेगा तो टॉ घटेगा। लेकिन स्यूडोप्लास्टिक में उल्टा होता है, स्यूडोप्लास्टिक में जो है अपना वन अपॉन टॉ और वन अपॉन प्रतिबल वन अपॉन स्ट्रेस के समानुपाती होता है। मतलब स्यूडोप्लास्टिक की विस्कोसिटी बढ़ेगी तो टॉ की गिरेगी, मतलब रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ गिरेगा इसका और प्रतिबल भी गिरेगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया। अब अपना थर्ड क्वेश्चन की तरफ करते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट हो गए, अब थर्ड कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है अपना। तो गाइस थर्ड कॉन्सेप्ट और बेटर है, जिसमें एन की वैल्यू कहाँ बड़ी होती है, ये देखिए डायग्राम बना देता हूँ जल्दी से, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बस बैठ जाएगा आपके दिमाग में। ये होता है न्यूटन फ्लूड और ये आपको पता ही है ऊपर क्या है, थिक्सो, ये होता है बिंगम, ये होता है अपना रिया, यानी ये होता है स्यूडोप्लास्टिक और ये अपना क्या है लास्ट में क्या है, डायलेटेंट। तो देखिए अपना डायग्राम बना रहा हूँ मैं, जिसमें कि आपको n कहाँ बड़ा होता है कहाँ छोटा होता है, सही है। तो एक लाइन ये गई अपनी न्यूटन, ये अपनी गई न्यूटनिंग, न्यूटन फ्लूड ये हो गया अपना। तो देखिए इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, n इक्वल टू बन के यहाँ भी है, n इक्वल टू बन के यहाँ भी है, लेकिन यहाँ b शून्य हो जाता है, वहाँ यहाँ b जो है शून्य हो जाता है और यहाँ भी शून्य नहीं होता है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन अब मैं बताता हूँ बी आया कहाँ से, एक इक्वेशन होती है वो मैं अभी लिख के दिखा रहा हूँ, पहले एन का दिखा दूँ। एन नीचे आ रहा है तो एन बड़ा एक से, ऊपर आ रहा है तो एन छोटा एक से, नीचे आ रहा है तो एन बड़ा एक से, ऊपर आ रहा है तो एन छोटा एक से, बस दिक्कत क्या है, ऊपर आ रहा है तो ऊपर घटते हुए दिख रहा है ना, नीचे बढ़ते हुए दिख रहा है तो एन बड़ा एक से, तो नीचे एन बड़ा। अब हमें पता ही है हमारी ट्रिक क्या है, तेरी रिया सड़ा दिया, सही है। तो ऊपर अपना थिक्सो है, नीचे रेओ है, ये अपना स्यूडोप्लास्टिक और ये है अपना डायलेटेंट, सही है। तो एन की भी आपकी कन्फ्यूजन खत्म होगी, ऊपर आया तो घटा दो, नीचे आया तो बढ़ा दो, यानी ऊपर वाली डायग्राम में दिख रहा है तो ये एन बड़ा, एन जो है छोटा होगा, सॉरी ऊपर दिख रहा है तो एन छोटा होगा, नीचे दिख रहा है ये तो एन बड़ा होगा, और ये सबको आपको पता ही चल गया, मैंने ट्रिक से बताई दिया, सही है। अब अपना क्या करना है कि भैया इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन लिख के दिखाते हैं। तो इक्वेशन में भी कुछ नहीं है, इक्वेशन होती है अपनी टॉ इक्वल टू, इक्वेशन होती है टॉ इक्वल टू टॉ नॉट प्लस म्यू डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन, आगे समझ में, टॉ नॉट को अपने बी भी लिखते हैं, तो बी प्लस म्यू डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन, ये जनरल इक्वेशन है ऑल फ्रूट के लिए। अब आपको क्या करना है, टॉ नॉट क्या है, इनिशियल शियर स्ट्रेस, यानी बी भी कहते हैं इसे, टॉ नॉट भी बोल सकते हैं, और एन क्या है विस्कोसिटी इंडेक्स, एन क्या है विस्कोसिटी इंडेक्स और बी क्या है ये टॉ नॉट क्या है इनिशियल शियर स्ट्रेस। अब इसमें सिर्फ ये ही पूछता है, जैसे मैंने बताया ना एन बड़ा है एन छोटा है, तो ये पूछेगा कि एन बड़ा है वन से और बी इक्वल टू है जीरो से, तो कौन सा फ्लूड है वो, तो ये हो जाएगा डायलेटेंट फ्लूड, यानी एन बड़ा है वन से, तो इसे डायलेटेंट बोलेंगे। लेकिन ये बोलेंगे कैसे, मैं बहुत ईजी है, आप बस दिमाग में बैठ जाएगा आपकी, ये है अपना होता है, तो एक ये होती है एक ऊपर डायग्राम होता है, तो इस डायग्राम को दो हिस्सों में बांट लो, इस डायग्राम को अपनों ने दो हिस्सों में बांट लिया, यानी ऊपर वाली इक्वेशन पे आपको b इक्वल टू जीरो नहीं दिखेगा, b इक्वल टू जीरो नहीं दिखेगा, और नीचे दिखेगा b इक्वल टू जीरो है, तो पहले आपको b या टॉ नॉट बोलते हैं उसे पकड़ लेना है, उसे पकड़ के ऊपर नीचे देखना है, यानी अगर b इक्वल टू नहीं जीरो है तब आपको केवल इन तीनों में से एक आंसर होगा, और b इक्वल टू जीरो दे रखा है तो इन तीनों में से एक आंसर होगा, है ना मजे की बात। अब इसमें क्या करना है, ये होता है टी होता है यानी थिक्स होता है या रियो होता है, अब जब भी वो बोलेगा दोनों में n बराबर इसमें छोटा, n बराबर इसमें बड़ा, n बराबर इसमें छोटा, n बराबर इसमें बड़ा, अब वो ये दोनों तो इक्वेशन देगा ही, n बराबर छोटा,
तो आपको बी से पकड़ना है कि नीचे वाली एन बराबर छोटा बोल रहा है या ऊपर वाला एन बराबर छोटा बोल रहा है, सही है। तो एन बराबर छोटा से तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये इन दोनों में से एक है, ऊपर वाला होगा या ये वाला होगा, लेकिन बी वाला से पता चलेगा कि करेक्ट आंसर ये वाला है, बी बराबर जीरो के होगा। तो पहले आपको देखना है बी बराबर जीरो, और दूसरे बार देखना है एन छोटा है या बड़ा है। अब देखो मैं अगला एक क्वेश्चन बताता हूँ इसका, जैसे अपना ऐसे देगा वो एन छोटा है एक से और बी बराबर है जीरो के। अब मैंने क्या बोला, बी बराबर जीरो के, तो मतलब इन तीनों में से ही होगा, ऊपर वाले को कैंसिल कर दो, ऊपर वाले से मतलब ही नहीं है, सही है। तो इन तीनों में से होगा क्योंकि बी बराबर जीरो के है, बी बराबर नॉट जीरो के कहता तो मैं ऊपर वाला डायग्राम बनाता, सही है। तो अब एन बराबर छोटा है, एन बराबर छोटा किस में होता है, यानी ये वाले में, नीचे तो बड़ा हो गया ना, तो एन बराबर छोटे मान ली ये वाली लाइन देखनी है, ये लाइन कौन सी है अपनी, ये अपनी स्यूडो प्लास्टिक की, बस ऐसे ही आप सब कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन निकलेगा, अब एक लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह गया जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये कहते हैं कि ये पदार्थ किस चीज़ का है, यानी ये थिक्सो है, ये स्यूडो है, कौन सा पदार्थ है, कौन सी विस्कोसिटी है, जल क्या है अपना, या अपनी फेविकॉल क्या है, पेपर पल्प क्या है, इसके एग्जाम्पल और देखने, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता देता हूँ पहली कि ये अपना जो अपने चारों होते हैं, यानी टी आर यही तो होते हैं, पहला होता है अपना थिक्सो, दूसरा क्या होता है बिंगम, तीसरा क्या होता है अपना सूडो, चौथा फिर नीचे आ जाते हैं सॉरी रियो, तेरी रिया या रियो, उसके बाद क्या होता है अपना सूडो, ये अगली लाइन में आ गए। उसके बाद क्या है अपने दिमाग में न्यूटोनिक, और उसके बाद क्या है डायलेटेंट। तो ये हो गए अपने, तो इसमें जो है पहले मैं कराता हूँ आपको डायलेटेंट, यानी आपका सबसे नीचे वाला जो होता है, ये तो अपना न्यूटोनिक हो गया, ये तो जल हो गया, लेकिन इसका एग्जाम्पल जो होता है, इस वाले का एग्जाम्पल होता है मक्खन, प्रिंटर से हाई, सही है, दिमाग में बैठा लेना, प्रिंटर स्याही, ये हो गए अपने डायलेटेंट के एग्जाम्पल। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है केवल, और एक होता है क्विकसैंड, एक क्विकसैंड और याद रखो, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना जो मैंने बता दिया है, मक्खन स्याही और क्विकसैंड, MSQ हो गया इसका एग्जाम्पल। अगला लेते हैं अपना न्यूटोनिक फ्लूड, न्यूटोनिक फ्लूड क्या अपना जल हो गया, कैरोसिन हो गया, तो इसका क्या हो गया अपना न्यूटोनिक फ्लूड का जल हो गया, कैरोसिन हो गया, बस इतने याद रखो, सही है। अब अगला क्या है, उसके बाद अगला लेते हैं अपना स्यूडो प्लास्टिक, देखो हम ऐसे तो चल रहे हैं नीचे से, ये वाला हो गया, ये हो गया, अब अगला क्या है अपना ऊपर वाला, ऊपर वाला ये होता है स्यूडो प्लास्टिक। स्यूडो प्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है, स्यूडो प्लास्टिक का एग्जाम्पल नहीं आता, सही है। उसके बाद क्या लेते हैं अपना रियो, अब ऊपर वाले लाइन में चलो, ये हो गया बिंगम, ये हो गया रियो, ये हो गया थिक्सो, तो अब ऊपर वाले में लेते हैं रियो। गाइज एक बार समझ जाएंगे आप आराम से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड लग रहा हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं कुछ भी। ये बिंगम हो गया, ये थिक्सो हो गया, रियो हो गया, अब रियो के ले रहा हूँ मैं इस वाले के, सही है। इस वाले के एग्जाम्पल क्या है, पेपर पल्प हो गया अपना, ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, पेंट हो गया, पेपर पल्प, ब्लड, मिल्क और पेंट हो गया। तो मैक्सिमम इन दोनों में से आता है, एक डायलेटेंट में और एक अपना रियो में, इन दोनों का ही आता है और बाकी किसी का नहीं आता। तो डायलेटेंट और रियो सिर्फ दो एग्जांपल याद रखो, डायलेटेंट और रियो और स्यूडो प्लास्टिक। तो गाइस थोड़ा गलती हुई है, ये अपने स्यूडो प्लास्टिक का एग्जांपल है, ये जो पेपर पल्प जो अपना बताया, मिल्क, ब्लड, क्ले, ये अपना स्यूडो प्लास्टिक का एग्जाम्पल, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो अपना रियो प्लास्टिक का जो हो गया अपना केवल, वो तो पॉलिश हो गया, रियो का केवल पॉलिश हो गया, बस इतना याद करो RP। और अपना जो स्यूडो प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, स्यूडो प्लास्टिक गया कहाँ, इससे याद कर लो, ते री रिया, सड़ा दिया, यानी यहाँ सड़ा और यहाँ दिया, यानी डायलेटेंट। तो अब मैं सबके एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, थिक्सो का नहीं है कोई एग्जाम्पल, सही है, थिक्सो में आपकी टेंशन खत्म, बिंगम का नहीं बता रहे, रियो का पॉलिश है। अब केवल इन तीनों को याद रखना है, स्यूडो, न्यूटोनिक और डायलेटेंट, केवल इन दोनों में से आता है, एक स्यूडो में से और एक अपना आ जाता है
केवल आपको इन दोनों का ही याद रखना है, बाकी आपका आराम से निपट जाएगा। केवल आपको इन दोनों का याद रखना है, इसका और इसका, यानी सूडो का और एक नीचे अपना डायलेटेंट का। सूडो में क्या हो गया, मिल्क, ब्लड और क्ले, और नीचे इसका क्या हो गया, डायलेटेंट का स्याही, अरे बताया नहीं था अभी, एक स्याही हो गया और एक मक्खन हो गया। बस इन इन में से ही आ जाएगा क्वेश्चन अगर आना होगा तो आपको सूडो का नीचे नीचे वाले याद रखो, बस ये नीचे जो है ना, ये वाले केवल इन दोनों में से ही आएगा, बस इन दोनों में से। तो अब मैं बता रहा हूँ कौन कौन से हो गए, सूडो का क्या हो गया, सूडो का हो गया और एक डायलेटेंट का, मैंने नीचे नीचे वाले, बीच न्यूटन का तो जल हो गया अपना और कैरोसिन हो गया, तो इसे कैंसिल कर दो, ये तो ईजी है। एक सूडो का क्या हो गया अपना, बहुत ईजी है, मिल्क, ब्लड और अपना लास्ट में क्या है, मिल्क, ब्लड और क्ले, ये हो गया सूडो का। और डायलेटेंट का क्या हो गया, डायलेंट का हो गया मक्खन और प्रिंटर स्याही, प्रिंटर स्याही, बस और कुछ याद मत रखो बस। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा, लिख लेना आप कॉपी में, सही है। और एक बस लास्ट क्वेश्चन और आ गया अपना, जो हो जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका फॉर्मूला पूछते हैं, तो इसका क्या होता है, डी यू अपॉन डी वाई माइनस का डी यू अपॉन डी वाई, माइनस डी यू अपॉन डी वाई, तो इसका मैं दोबारा लिख देता हूँ साफ साफ, माइनस डी यू अपॉन, माइनस डी यू अपॉन डी वाई, ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। और इसका लास्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट रह गया, इसका कभी कभी बीमा या फिर डायमेंशन भी पूछते हैं, वो हो गए टी के पावर माइनस वन, बस आपका इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, जितना मैंने बताया उतना ही कर लीजिए, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आएगा, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं हटकेगा, सही है। तो गाइज ऐसी मैंने ट्रिक से मैंने कई कई मैकेनिकल ट्रिक बता रखी है, जिसमें मैंने स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी फंक्शन, यानी जो जो हार्ड लगते हैं बच्चों को उसका कवर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ईजी वाले तो सब जने करा ही देते हैं, ईजी वाले आप कर भी देंगे, लेकिन ये जो इनमें कन्फ्यूजन होता है, तो ये इस तरीके से कराता हूँ मैं, मेरी सारी मिस्टेक, सिली मिस्टेक मैकेनिकल, और ये मैकेनिकल ट्रिक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और मैं ये बता दूँ, मैंने पूरे प्रीवियस पेपर भी करा रखे हैं 2019 के, जो पूरे यूट्यूब पे और गूगल पे नहीं मिलेंगे आपको, वो भी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने एक निचोड़ सीरीज चलाता हूँ जिसमें 100 मॉक दिए थे मैंने, उसमें से एनालिसिस जो क्वेश्चन होते हैं ना, ईजी नहीं मिलेंगे उसमें, मॉडरेट और एक आपको न्यूमेरिकल, और एक न्यूमेरिकल भी कम मिलेंगे, मॉडरेट लेवल और थोड़ा हार्ड लेवल, यानी जो क्वेश्चन आप फंसते हैं SSC में वैसे मिलेंगे। 100 मॉक में से निचोड़ हुई 1820 क्वेश्चन है, वो आप देख लेना, आपका SSC JEE आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो भी बात है आप कमेंट में कह सकते हैं। सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, गारंटी से गाइस। पिछले देख लेना, इतना डेडिकेटेड चैनल है ये, 100 से ऊपर वीडियो है, एक भी दिन का गैप नहीं हुआ है, और सबका टॉप कंटेंट। तो थैंक यू गाइस, बहुत बात हो गई, बाय बाय, टेक केयर।